एपिसोड फर्स्ट के स्टार्टिंग में दिखता है कि मी जोंग के साथ के एम्प्लॉय अपने बॉस के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से मी जोंग बहुत चुप रह रही थी और वो आराम से अपना खाना खा रही थी। फिर वो मी जोंग से पूछते हैं, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? लेकिन मी जोंग कहती है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और उसके दोस्त मी जोंग से कहती है कि तुम आज मेरे साथ क्लब में चलो, तुम्हें वहाँ बहुत मज़ा आएगा। फिर वो गेम खेलने के लिए क्लब में चले जाते हैं और वहाँ मी जोंग के सभी दोस्त एंजॉय करते हैं, लेकिन मी जोंग किनारे पर बैठी हुई होती है। उनमें से एक आदमी मी जोंग से पूछता है, क्या तुम किसी क्लब में शामिल नहीं हुई? क्यों नहीं, कई अच्छे क्लब है। मी जोंग कहती है, मैं काफ़ी दूर रहती हूँ। वो पूछता है, तुम कहाँ रहती हो? वो कहती है, सैनपो में, ये सुवोन के पास है। फिर वो आदमी अपना गेम खेलने लगता है और वो एक झटके में सभी विकेट गिरा देता है। फिर उनमें से और लड़कियाँ भी ट्राई करती हैं और वो सारे विकेट गिरा देती हैं। इसके बाद मी जोंग की बारी आती है, वो ट्राई करती है लेकिन वो एक भी विकेट नहीं गिरा पाती। इसके बाद वो अपनी बहन को मैसेज करती है जिसका नाम जी जोंग था और लिखती है, लगता है आज देर हो जाएगी। मी जोंग की बहन जी जोंग अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रही होती है। मी जोंग के पास उसकी बहन का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, मुझे भी देर हो जाएगी, मुझसे 12 बजे गंगनम स्टेशन पर मिलो। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मी जोंग का भाई चांग ही वो अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर रहा होता है फ़ोन पर बातें करते हुए और वो उसे मिलने के लिए कहता है। इसके बाद दिखता है कि मी जोंग के साथ के सभी स्टाफ मेंबर खाना खा रहे होते हैं और वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन मी जोंग सिर्फ उनको देखकर स्माइल कर रही थी। मी जोंग खड़ी उठती है और वहाँ सभी से कहती है, मुझे अपनी आखिरी ट्रेन पकड़नी है। फिर उसके दोस्त उसे बाय करती है और मी जोंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मी जोंग अपनी बहन से मिलने एक बार में जाती है। मी जोंग अपने दोस्तों से अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बात करती है और वो कहती है, मेरा एक्स हस्बैंड तलाकशुदा है और उसका एक बच्चा है, उसके लिए उस बच्चे से ज़्यादा कोई कीमती नहीं है, लेकिन वो बच्चा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं है। हम दोनों के अलग होने के लिए इतनी सारी चीज़ें बहुत हैं। एक आदमी और एक औरत साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं तो ये कैसे काम कर सकता है? तभी उसकी दोस्त बगल में देखती है कि बगल में किसी जोंग का एक्स हस्बैंड और उसकी बेटी वहाँ बैठकर ये सब सुन रहे थे और वो जी जोंग को इशारा करते हैं बगल में देखने के लिए। फिर जी जोंग बगल में देखती है और वह हैरान हो जाती है और उसकी फ्रेंड जी जोंग से कहती है, बहुत से लोग जिनके पहले से ही बच्चे हैं वह एक दूसरे से शादी करते हैं और खुशी से रहते हैं, वह एक दूसरे के बच्चों के महत्व को समझते हैं। इसके बाद वो सब चुप हो जाते हैं। तभी वहाँ टाई उन की बहन आती है और उन दोनों से पूछती है, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? तुम इस बच्चे के जन्मदिन पर इस तरह उदास क्यों हो? और टाई उन की बहन उसकी बेटी को एक एयरफोन गिफ्ट करती है उसके बर्थडे के मौके पर। फिर बगल में वो सभी अपनी टेबल से खड़े उठ जाते हैं। तभी ताई उन मी जोंग को देखता है और मी जोंग उसे हेलो करती है और वो भी हेलो करता है। तभी जी जोंग की नेल पॉलिश ताई उन के सीट के नीचे गिर जाती है। फिर जी जोंग नीचे से उठाने की कोशिश करती है, फिर ताई उन खुद ही उसको उठा देता है और वो जी जोंग को उस नेल पॉलिश को देता है और कहता है, मेरा तलाक हो सकता है लेकिन अब तक सबसे अच्छा फैसला शादी करना था, मैं इतने कीमती बच्चे से और कैसे मिलता। इसके बाद मी जोंग और जी जोंग साथ में जाने लगते हैं। फिर रास्ते पर जी जोंग मी जोंग से पूछती है, तुम उसे कैसे जानती हो? मी जोंग कहती है, काम से। जी जोंग कहती है, तो तुमको जल्द ही उसे हेलो कहना चाहिए था। मी जोंग कहती है, मैं सिर्फ उसका चेहरा जानती थी, हम एक टीम में नहीं थे। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि उस छोटी बच्ची की आंटी जो ही बाहर उनसे मिलने आती है और वो उस बच्ची को हैप्पी बर्थडे बोलती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है चांग ही अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर रहा होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का एक दोस्त था और वो अपने दोस्त से मैसेज में प्यार भरे मैसेज वाले सिंबल भेज रही थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं उस लड़के के बारे में, क्या वो ये नहीं जानता कि तुम्हारा कोई लवर है? वो कहती है, वो जानता है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। चांग ही कहता है, क्या बॉयफ्रेंड तुम लवर नहीं कह सकती हो? वो कहती है, आजकल लवर शब्द का प्रयोग कौन करता है, ये बहुत बेकार लगता है। 70 के दशक में पैदा हुए लोग भी ऐसा नहीं करते। आसपास पूछो, क्या लोग अभी भी उस शब्द का यूज़ करते हैं? तुम्हें पता है, तुम बहुत पुराने ज़माने के लगते हो, बहुत बेकार। ये कहकर वो चली जाती है और चांग ही ये सुनकर हैरान हो जाता है। इसके बाद दिखता है कि तीनों भाई बहन एक टैक्सी में घर जा रहे होते हैं और वो सभी बहुत उदास होते हैं क्योंकि वो तीनों अपनी लाइफ से बहुत परेशान थे। फिर घर जाकर चांग ही ठंडे पानी से नहाता है
इसके बाद वो सोच में पड़ जाता है। फिर अगले दिन दिखता है कि उनके मम्मी पापा खेत में काम कर रहे होते हैं और उनके साथ एक आदमी जिसका नाम मिस्टर गु था, वो भी साथ में काम करता था उनके साथ। प्याज के पत्तों को बेचा करते थे। इसके बाद घर में मिजोंग की माँ खाना बनाने लगती है। फिर जीजोंग अपने बालों को ठीक कराने के लिए सैलून जाने लगती है। मिजोंग का भाई चांग ही घर में बैठकर मोबाइल चला रहा था तो उसकी माँ उसे डांटने लगती है और कहती है अपने पिता के साथ खेत में जाओ और मदद करो। इसके बाद चांग ही भी खेत में काम करने लगता है और मिजोंग भी खेत में काम करती है। इसके बाद वो सभी नाश्ता करते हैं और उन सभी फसलों को एक ट्रक में डालते हैं। फिर शाम को खाना खाते वक्त चांग ही अपने पिता से कहता है, मुझे आपको कुछ बताना है, मुझे बस आपकी परमिशन चाहिए, मैं एक कार खरीदने की सोच रहा हूँ। और ये सुनकर उसके पिता गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं। वो कहता है कि इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक कारों की कीमत ज़्यादा नहीं होती, इसे पूरी तरह चार्ज करने के लिए सिर्फ 7,000 वॉन लगते हैं। वह कहते हैं कि 50,000 वॉन हर महीने देने होंगे, ये बस या ट्रेन लेने से बहुत ज़्यादा सस्ता है, सेकेंड हैंड कारों की कीमत भी ज़्यादा नहीं होती। उसके पिता कहते हैं, क्या तुमको याद नहीं है कि तुमने पिछली बार कब कार खरीदी थी? तुम अपने आप को गर्त में डाल रहे हो, तुम उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन तुमने इसे किस्त पर खरीदा था, इसलिए मेरे पास तुम्हारी मदद करने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन तुम फिर से यही कर रहे हो। चांग ही कहता है, मैं जो कर रहा हूँ वो यह है कि मैं तब और बेहतर नहीं जानता था, मुझे अब ये करना चाहिए, मेरे खर्चे बजट मैं अब वो सब जानता हूँ, इसलिए मैं एक छोटी इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहा हूँ। आप ना मत कहो ये एक कार है, ऐसा नहीं है कि एक लग्जरी आइटम है, मैं इसे नहीं खरीद रहा हूँ, इसलिए मैं किसी को भी नहीं दिखा सकता हूँ। मिजोंग, जीजोंग और मैं देर से बाहर रहते हैं और एक टैक्सी में घर आते हैं। वो 30,000 वॉन है, एक इलेक्ट्रिक कार के साथ इसकी कीमत 3,000 वॉन होगी। उसके पिता उससे पूछते हैं, ये कितने की है? वो कहता है, ये सस्ती है। उसके पिता कहते हैं, फिर से किस्तों में? फिर चांग ही चुप रहता है। फिर चांग ही गुस्से में कहता है, मेरी शादी कैसे हो सकती है जब तक मेरे पास कार नहीं होगी? ये सुनकर उसकी माँ वहाँ से चले आती है। चांग ही कहता है, मैं चुपके से एक कार खरीद सकता था, जहाँ चाहूँ वहाँ छुपा सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उसके पिता उससे कहते हैं, इसे मुझसे छुपाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। फिर रात को जीजोंग जब घर आती है वो बहुत गुस्सा हो रही रहती है क्योंकि सैलून वालों ने उसके बाल और ख़राब कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि चांग ही का दोस्त डू होवान, वो एक लड़की से मिला था लेकिन उस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो दुख भरे गीत अपने कैफे में गा रहा होता है। और वो चांग ही और मिजोंग से कहता है कि उस लड़की ने मुझे एक कुत्ता कहा, और ये सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं और वो रोने लगता है। फिर चांग ही डू होवान को गले लगाता है और कहता है, मेरी वाली ने भी मुझे पुराने ज़माने का कहा। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह मिजोंग काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और जीजोंग अपने बालों को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे होते और वो बहुत उदास होती है। फिर मिजोंग अपने घर से काम की तरफ जाने लगती है और वो अपने सामने मिस्टर गु को जाता हुआ दिखती है। कुछ दूर जाने के बाद मिजोंग बस में बैठ जाती है। इसके बाद मिजोंग जो है सपोर्ट सेंटर में जाती है, वहाँ की सेक्रेटरी यानजी मिजोंग से कहती है, क्या तुम इस महीने उस क्लब के साथ जुड़ना चाहती हो जिसमें तुम कल गई थी? मिजोंग कहती है, क्या ये ज़रूरी है? यानजी कहती है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब तुम दूसरों के साथ मिलोगी तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। इसके बाद दिखता है कि उस कंपनी का एम्प्लॉय ताइहून, वो भी उस सेक्रेटरी से मिलता है और उससे कहता है, मेरी एक बेटी है जो 4th क्लास में है, मुझे जल्दी घर जाना पड़ता है और उसकी देखभाल करनी पड़ती है, मैं बाद में क्लब में शामिल हो जाऊँगा। वहीं दूसरी तरफ मिजोंग ऑफिस में जाती है और अपने बॉस को ऑटमन ट्रिप का एक कागज़ देती है जो उसने तैयार किया हुआ था। फिर मिजोंग जब अपनी सीट में जाकर बैठती है तब वो अपना मोबाइल चेक करती है, उसमें ग्रुप में यूल जीरो जाने का प्लान बन रहा था। उसकी दोस्त मिजोंग से पूछती है, लेकिन मिजोंग कहती है, मेरा घर दूर है, मुझे घर जाना पड़ता है। इसके बाद मिजोंग देखती है जो कागज़ उसने बॉस को दिया था, उस कागज़ में उसके बॉस ने बहुत से कट मारे हुए थे क्योंकि उन कागज़ों में बहुत सी गलतियाँ थी, और ये देखकर मिजोंग रोने लगती है और वो बहुत उदास होती है। वहीं मिजोंग का भाई चांग ही एक रेस्टोरेंट में काम करता था। फिर अगले दिन मिजोंग बैंक में जाती है क्योंकि उसके मोबाइल पे मैसेज आया होता है लोन के रिगार्डिंग। बैंक की एम्प्लॉय कहती है, यदि आपको अपने क्रेडिट लोन भुगतान में 5 दिन से अधिक का टाइम लग रहा है तो आपका कार्ड सस्पेंड हो सकता है, इसलिए तुमको दूसरों को पैसा उधार देने के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए,
क्या आप जानते हैं कि आपका लोन बैलेंस कितना है? 15.484 मिलियन के लिए आपको पर मंथ 1.5 मिलियन वॉन भुगतान करने की ज़रूरत है। ये सुनकर मी जोंग हैरान होती है। इसके बाद चांग ही का बचपन का दोस्त उनसे मिलने के लिए आता है और रात को वो सभी साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं। फिर चांग ही की बहन जी जोंग कहती है, मुझे प्यार करने का अधिकार है, मैं जल्द ही कोई ना कोई लड़का अपने लिए ढूंढ लूँगी, चाहे कोई भी हो, मैं इस तरह से अकेले रहकर नहीं मरना चाहती। फिर अगली मॉर्निंग मी जोंग जब अपनी बस में बैठने के लिए जा रही होती है तभी वो अपनी बस में नहीं बैठती। वो मिस्टर गु के पास जाती है और उससे कहती है, क्या आप मेरे लिए मेल का टुकड़ा ला सकते हो, मैं खाना चाहती हूँ अपने परिवार से छुपकर। इसके बाद वो ऑफिस की तरफ चली जाती है और वो अपने को बहुत खुश महसूस कर रही थी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।